नमस्ते, मैं लक्ष्मी शर्मा खबर लहरिया से। आइए आज 16 अगस्त के दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। महोबा जिले के छतरपुर रोड पर 7 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने रौंदा, जिससे उसकी मौत हो गई। कबरई पुलिस ने मौके पर पंचनामा भरा। महोबा जिले के कुलपहाड़ में आज एक जेवर की दुकान से करीब 15 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी हो गए हैं। महोबा जिले के ही गांव मवई कला में जाने का रास्ता में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बांदा जिला के पलरा पशु अस्पताल के डॉक्टरों का आरोप है कि बिल्डिंग जर्जर होने के कारण पानी भराव होता है, इसी कारण से बैठने की जगह तक नहीं रहती। फैजाबाद जिले के नाका बाईपास के नीलकंठ स्थान पर विशाल प्रदर्शनी चल रही है। लखनऊ के कपूरथला कस्बे में बेसमेंट की खुदाई में पड़ोस के मकान की दीवार गिर गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। मध्य प्रदेश में 43 नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव की मतगणना बुधवार को भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच हुई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 25 स्थानों पर जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार 15 स्थानों पर जीत दर्ज की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर नया खुलासा हुआ है। जुडिशियल इंक्वायरी पैनल की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वेमुला ने अपनी मर्जी से सुसाइड किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया। इंदिरा कैंटीन में 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में दिन और रात का खाना परोसा जाएगा। भारतीय क्रिकेटर एस श्री संत क्रिकेट मैदान में लौटते हुए प्रतिबंध से मुक्ति मिलने की आज़ादी मना रहे हैं। श्री संत पर 4 साल से लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है और उन्होंने क्रिकेट मैदान पर वापसी की है। ये थी आज के दिन भर की मुख्य खबरें। कल के दिन भर की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।